अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। आप लोग भी सोचते होंगे कि हम जो यहाँ पर कमाई करते हैं सऊदी अरब के अंदर, वो अपने घर कैसे भेजते हैं। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ कि हम यहाँ से जो पाकिस्तान पैसे भेजते हैं वो किस तरीके से ट्रांसफ़र करते हैं, उसका क्या तरीक़ाकार होता है। तो आइए आपको पूरी वीडियो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। लिफ्ट अवेलेबल है यहाँ पर, आप देखिए 3 पे खड़ी है और मैं आ गया हूँ स्टूडियो। दोस्तों कितने अजीब हैं रिश्ते भी, जिनसे किसी ज़माने में लोग जो है बैठ के दिल की बातें करते थे, आजकल व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा के उनको पैगाम दिए जाते हैं। अगर कोई दोस्त भाई हमारा सऊदी अरब से वीडियो देख रहा है तो मैं आपको लास्ट वाली बात जो है वो शुरू में बता दूं कि रूल और रेगुलेशन जो हैं यहाँ पर काफ़ी सख्त हैं। आपकी जितनी सैलरी है आप उतने पैसे भेज सकते हैं, उससे ज़्यादा पैसे आप नहीं भेज सकते। 400-500 रियाल या 1000 रियाल अगर आप भेज देंगे एक बार तो नो प्रॉब्लम, लेकिन हर बार आप अपनी सैलरी और आमदन से ज़्यादा अगर पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो गवर्नमेंट आपको पूछेगी, आपका अकाउंट ब्लॉक करेगी, फिर आपको बुलाएगी और आपके साथ जो है सवाल जवाब किए जाएंगे। क्योंकि जब आप ATM कार्ड बनवाते हैं तो वहाँ पर आपकी सैलरी मेंशन कर दी जाती है, काफ़ी दोस्तों को इस बात का पता है। अच्छा दोस्तों, हमारा नसीब भी देखो, जितने भी परदेसी भाई हैं मेरा क्या सबका यही हाल होता है कि कमाते तो हम पैसे मेहनत मजदूरी करके हैं, लेकिन एक दिन भी जेब में रखने मुश्किल से होते हैं, क्योंकि घर भेजने के लिए फिर सिस्टम दुनिया का यही है कि जो भी कमाएगा वो घर भेजेगा। तो ये है बैंक सामने, यहाँ से मैं ट्रांसफ़र कर लेता हूँ और आपको बता देता हूँ कि कैसे ट्रांसफ़र करना है। सबसे पहले आप अपना कार्ड इंसर्ट कर लेंगे और अपना पासवर्ड वगैरह लगा के उसको एक्टिव कर लेंगे। उसके बाद कैश डिपॉजिट के बटन को आप दबाएंगे तो नीचे एक बॉक्स खुलेगा, इसके अंदर आपने वो अमाउंट रखनी है जो आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। ये है दोस्तों ATM, यहाँ पे डिपॉजिट भी इसी में करते हैं और यहाँ से ही जो है बैंक के अंदर आपको जमा कराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कुछ नोट जो थे ज़्यादा पुराने थे दोस्तों, इसलिए मशीन ने ये नोट वापस किए हैं। 300-400 रियाल थे, 1000 मैंने डिपॉज़िट किया था। अभी हम क्या करेंगे कि ये नोट जो है मशीन दोबारा एक्सेप्ट नहीं करेगी। 700 रियाल इसने एक्सेप्ट किया, उसको कंटिन्यू करके अकाउंट में जमा कर देंगे और उसके बाद इन नोटों की जगह जो ज़्यादा पुराने थे वो इसने नहीं लिए। हम 350 से 400 रियाल मज़ीद रखेंगे चेंज करके, जो अच्छे नोट हैं, क्योंकि ये थोड़े से भी नोट पुराने गड़बड़ होंगे तो ये नहीं करेगी। अभी जो है मैं यहाँ से जो है पैसे ट्रांसफ़र करने पाकिस्तान, तो दोस्तों यहाँ से हम पैसे जो हैं जितने भी अपने मुल्क में भेजते हैं इसी ATM से हम ट्रांसफ़र कर देते हैं आगे। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बैंक के अंदर जाना है या वहाँ पर लाइन में खड़ा होना है तो आपको पैसे ट्रांसफ़र करने की वो पड़ेगी, यहाँ से ही ट्रांसफ़र। वहाँ से बटन होता है क्विक पे का, ये हम दबाएंगे तो न्यू ट्रांसफ़र पे जाएंगे। यहाँ पे जो हमारा अकाउंट नंबर होगा पाकिस्तान का वो पहले से फ़िक्स होता है इसके अंदर, तो वो आ जाएगा। पूछ रहा है कि आप किसको भेजना चाहते हैं पैसे, तो फैमिली को हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से भी वो पूछा जा रहा है कि आप सऊदी रियाल के अंदर पैसे भेजना चाहते हैं या पाकिस्तानी, तो मैं अपनी करेंसी को यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मुझे अमाउंट देनी पड़ेगी। अमाउंट सेलेक्ट करने के बाद आप कंटिन्यू के बटन को दबाएंगे तो आपके पाकिस्तानी अकाउंट में ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो ये होता है यहाँ से पैसे ट्रांसफ़र पाकिस्तान करने का तरीका। बस हम जो है कमाई करते हैं और आते हैं इधर आके डिपॉज़िट करते हैं और बस हमारा इतना ही काम होता है। वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनका नसीब पाकिस्तान में, हमारा इतना ही काम होता है कि हम कमाते हैं और फिर उनको भेज देते हैं। और एक मैं नहीं, तकरीबन सारे हमारे भाई जितने भी हैं सब यही करते हैं। तो ये हमारी
लाइफ, हमारी रूटीन। अजान हो रही है अभी। मकसद ये था दोस्तों के साथ शेयर करने का कि आपको ये तो पता है कि सब लोग यहाँ पे आते हैं, कमाई करते हैं, लेकिन बेचते कैसे? जो आपकी कमाई है 3,000 है या 4,000 रियाल है, उससे ज़्यादा आप ट्रांसफ़र ना कीजिएगा तो बेहतर है। अगर आप करेंगे तो सीधा वो अकाउंट ब्लॉक करेंगे आपका, और उसके बाद फिर आपको बहुत से सवालात और जवाबात जो है वो देने होंगे, तो उसके बाद फिर आपका अकाउंट खुलेगा।